ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन IAS प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज में ज्योग्राफी के सेक्शन में हम लोग देख रहे थे क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शन, और इस सेक्शन में लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस किए थे, जैसे जेट स्ट्रीम, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, और लास्टली मैंने आप लोगों को कुछ नए रिसर्च से अवगत कराया था, जैसे पोलर वर्टेक्स के बारे में और साथ ही साथ ओमेगा ब्लॉक के बारे में, और एक और कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था हीट वेव से रिलेटेड। तो सारे डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट थी और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डिस्कशन थी, बट ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडियाबेटिक लैप्स रेट के बारे में। दिस विल बी लिटिल बिट ऑफ फिजिकल फिजिक्स टाइप की होगी, देखेंगे क्या कुछ है। फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर द सम ऑफ द अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रीलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। तो हम लोग बात करने वाले हैं एडियाबेटिक लैप्स रेट के बारे में। पहले तो आप लोग समझ लीजिए एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है। हमारे पास फिजिक्स में सिस्टम्स होते हैं। सिस्टम कहने का मतलब, आप लोग डरिए नहीं, सिस्टम का मतलब होता है केवल और केवल एक तरीके का, समझ लीजिए बॉक्स। और ये जो बॉक्स होता है ये एक वर्चुअल बॉक्स होता है। वर्चुअल बॉक्स कहने का मतलब ये हो गया जहां पर आप अपने कंसिडरेशन के हिसाब से, मतलब आप जिस तरीके का, जिस चीज की भी स्टडी करनी चाहते हैं उसको हम लोग एक सिस्टम बोल देते हैं, एक बॉक्स बोल देते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा नेचुरल तरीके से बताता हूं। मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, दिस इज आवर सरफेस। इस सरफेस पे कई सारे हैं, जैसे ये आप लोग भी हैं, और इसके अलावा क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स के अलावा पक्षी वगैरह भी होते हैं, इसके अलावा पेड़ वगैरह भी होते हैं। तो हमारे पास कई सारी चीजें हो जाती है। इसके अलावा जो होता है, मान लेते हैं यहाँ पर जो होती है कोई वाटर बॉडी है, जैसे सपोज अ वाटर बॉडी। तो हमें अगर सपोज क्लाउड के बारे में स्टडी करना है कि हाउ क्लाउड्स आर एब्जॉर्बिंग द सन रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द सन, और हाउ दे आर एब्जॉर्बिंग द रेडिएशंस विच आर कमिंग आउट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या फिर अर्थ से जो चीजें आ रही हैं, तो हमारे लिए जो सिस्टम हो गया वो एक तरीके का क्लाउड हो गया, क्योंकि मुझे जो है वो क्लाउड को स्टडी करना है। सिमिलरली अगर मुझे वाटर बॉडी को स्टडी करना होगा तो मैं वाटर बॉडी को सिस्टम ले लूंगा और मैं कहूंगा कि हाँ ठीक है, वाटर बॉडी में जो कुछ भी चेंजेस होंगे उसको हम लोग यहां से स्टडी कर लेंगे। क्लियर हो गया सिस्टम का मतलब क्या चीज होती है। अब देखिए ये जो सिस्टम होता है वो कंटिन्यूअस तीन चीजों का एक्सचेंज करता है। एक होती है जिसे हम एनर्जी कहते हैं, जहां पर एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है। दूसरा होता है जहां पर टेम्परेचर का एक्सचेंज पॉसिबल होता है, और तीसरा होता है जहां पर मास का एक्सचेंज पॉसिबल होता है। तो बेसिकली ये हमारे पास तीन टर्म होते हैं, मास एक्सचेंज और टेम्परेचर एक्सचेंज। इन दोनों का मतलब ये होता है कि जहां पर सिस्टम ओपन होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा कोई ब्लॉक था और ये मेरा कोई दूसरा ब्लॉक था, मैंने इन दोनों ब्लॉक को बीच में एक पाइप के माध्यम से जोड़ दिया। अब इससे क्या होगा, यहां पर अगर ये हाई मास होगा तो ये मास ट्रांसफर हो जाएगा इस लो मास की तरफ, और इस तरीके से दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर सिस्टम बेसिकली एक ओपन सिस्टम रखा गया है। एक दूसरा होता है जहां पर सिस्टम क्लोज होती है। मान लेते हैं कि सिस्टम जो होती है वो क्लोज है, इस पाइप को मैंने ब्रेक कर दिया, तो ये सिस्टम अलग है, ये सिस्टम अलग है। अब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है, बट अब ये दोनों एनर्जी एक्सचेंज अभी भी कर सकते हैं। ये एनर्जी एक्सचेंज कई माध्यम से हो सकता है। ये माध्यम हो सकता है ट्रांसफर के रूप में, लाइक टेम्परेचर ट्रांसफर हो गया, या फिर किसी अन्य माध्यम से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो चीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफर। अब इस तरीके से जो हम लोगों ने देखा ट्रांसफर के रूप में, इस ट्रांसफर में हमारे पास कई तरीके के हीट एक्सचेंजेस हो जाते हैं। ये जो हीट एक्सचेंज होते हैं वो मेनली तीन से चार टाइप के होते हैं। एक होता है जहां पर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रख करके तब एक्सचेंज कराया जाता है। लाइक मान लेते हैं कि ये सिस्टम हमारे पास है, एक दूसरा सिस्टम हमारे पास है। इस सिस्टम का अपना PVRT मतलब प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर होगा, सिमिलरली इसका भी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर होगा, विच विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी नंबर वन। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि बॉडी नंबर वन और बॉडी नंबर टू में प्रेशर को मैंने बराबर रखा है, वॉल्यूम मान लेते हैं कि वो चेंज है, टेम्परेचर मान लेते हैं कि वो चेंज है,
तो ये जो सिस्टम होता है इस सिस्टम को बोलते हैं कि ये प्रेशर कांस्टेंट सिस्टम है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कि आइसोबेरिक सिस्टम है ये। अब यहां से जो भी हीट का एक्सचेंज होगा उसको हम लोग बोल देते हैं कि इस तरीके का एक्सचेंज आइसोबेरिक एक्सचेंज कहलाता है। सिमिलरली अगर हीट एक्सचेंज हम लोग कर रहे हैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख करके, जिस तरीके से हम लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, सिमिलरली अब वो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। लाइक प्रेशर P1 हो जाएगा, V1 वॉल्यूम हो जाएगा, टेम्परेचर T हो जाएगा, प्रेशर P2 हो जाएगा, वॉल्यूम V2 हो जाएगा और टेम्परेचर T हो जाएगा। इस तरीके के सिस्टम जहां पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल सिस्टम। दिस इज आइसोथर्मल सिस्टम। एक और इसी तरीके का सिस्टम होता है जिसमें हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, जहां पर P1 T1 लेकिन वॉल्यूम V, P2 T2 लेकिन वॉल्यूम V हो जाएगा। तो इस तरीके का जो सिस्टम होता है जहां पर हीट एक्सचेंज कराई जा रही है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोकोरिक सिस्टम। तो ये हमारे पास तीन तरीके के सिस्टम हो जाते हैं जहां पर हम लोग ईदर प्रेशर या फिर टेम्परेचर या फिर वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रख करके तब हीट का एक्सचेंज कराते हैं। लेकिन इसके अलावा एक चौथा भी फॉर्मेट होता है जहां पर Q = 0 होती है। व्हाट डज दिस मीन Q = 0? Q = 0 का मतलब ये होता है कि यहां पर हमारे पास जो बॉडी है, सपोज दिस इज आवर बॉडी या दिस इज आवर सिस्टम, इस सिस्टम का बाहर के जो भी मटेरियल है उससे हीट जो है वो एक्सचेंज जीरो हो रहा है। मतलब अंदर का जो भी हीट है वो अंदर ही रहेगा, बाहर की जो हीट है वो बाहर रहेगा, इसका कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। इस तरीके के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक सिस्टम। एडियाबेटिक सिस्टम जहां पर इसका पी होगा, इसका वी होगा, इसका टी होगा, सिमिलरली इसका प्रेशर अलग होगा, डैश कर लेते हैं वॉल्यूम, डैश कर लेते हैं टेम्परेचर, डैश कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो भी इन लोगों की हीट होगी वो हीट ट्रांसफरेबल नहीं होगी। इस तरीके के सिस्टम को बोलते हैं एडियाबेटिक सिस्टम। और हम लोग इसी तरीके के एडियाबेटिक लैप्स रेट को पढ़ेंगे। अब जरा इस एडियाबेटिक लैप्स रेट का थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं अपने नेचर में, ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाए। सपोज ये हमारी जो है सरफेस थी, जैसा कि ऑलरेडी हमारी सरफेस थी, ये ह्यूमंस है हम लोग हैं, यहां पर मान लेते हैं एक आध जानवर भी बना लेते हैं, मान लेते हैं सपोज दिस इज आवर जानवर कोई, और यहां पर मान लेते हैं कि कोई पेड़ वगैरह आ गया है, जैसे सपोज कोई पेड़ है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये हमारे क्लाउड्स हैं, तो जो क्लाउड्स हैं वो बेसिकली क्या होंगे, बाहर में अपना एक टेम्परेचर होगा, होता है कि नहीं होता है, जैसे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमारे पास एक टेम्परेचर होता है। नॉर्मली टेम्परेचर हम लोग 27 डिग्री सेंटीग्रेड लेके चलते हैं, लेकिन आजकल देख ही रहे हैं आप लोग हीट वेव की शिकायत आ रखी है, ऑल्दो अभी के पोजिशन पे तो नहीं है लेकिन हीट वेव की शिकायत रहती है। तो हमारा जो टेम्परेचर होता है 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। सिमिलरली क्लाउड का भी अपना एक टेम्परेचर होता है, मान लेते हैं क्लाउड का टेम्परेचर जो होता है वो 30 डिग्री है, सपोज यहां पर जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री है, यहां पर मान लेते हैं कि 28 डिग्री है और यहां पर मान लेते हैं कि 25 डिग्री है। तो ये जो टेम्परेचर होगा वो कंटिन्यूअसली कायदे से, तो इनको हीट के जो बाहर का जो टेम्परेचर है उसके एक्सचेंज में रहना चाहिए, बट नहीं, ये Q = 0 सिस्टम है। यहां पर एडियाबेटिक सिस्टम है। इस एडियाबेटिक सिस्टम का मतलब यह है कि ये जो टेम्परेचर बादल के अंदर है, क्लाउड के अंदर है, वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के साथ में एक्सचेंज में नहीं आ रहा है। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब समझ में आ गया कि क्लाउड का टेम्परेचर इज गोइंग टू बी 30 और जो बाहर का टेम्परेचर, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, इट इज गोइंग टू बी 40-45 डिग्री। देयर विल नॉट बी एनी एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर to reduce down the temperature and make an equilibrium among these. Clear हो गया क्या चीज है? तो ये जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम को ही हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक सिस्टम। आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी कि हम लोग बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं इस डिस्कशन को। तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, थंडरस्टॉर्म, साइक्लोनिक एंड एंटी साइक्लोनिक कंडीशन एटसेट्रा ऑल डिपेंड ऑन दिस एडियाबेटिक लैप्स रेट। कैसे होता है ये हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे, आइडिया लग जाएगा क्या चीज है। एडियाबेटिक लैप्स रेट जो होती है डिटरमाइन करती है रेट ऑफ कंडेंसेशन, एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन अल्टीमेटली डिटरमाइन करती है कि लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कितना रिलीज होगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्या चीज है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
जैसे हमें पता है कि ये हमारी मान लेते हैं कि कोई बर्तन है जिसमें मैंने वाटर को रखे हुए हैं, वाटर रखा हुआ है, इस वाटर को मैंने हीट दिया और हीट देने के कारण से ये वेपराइज हो गई है। ये जो वेपराइज होकर के, और मान लेते हैं कि इसी तरीके से ओशियन में, इस ओशियन में सनलाइट पहुंची है, इस सनलाइट के कारण से भी अगेन वेपराइजेशन होगा। तो ये जो इवेपोरेशन हो रही है, या फिर मान लेते हैं कि पेड़ वगैरह जहां से भी वाष्पीकरण हो सकता है, और एटमॉस्फियर में जहां से भी क्लाउड्स बन सकते हैं, मतलब कि वेपर जहां से भी आ सकते हैं, अब क्या होगा, ये वेपर क्या है, गैसियस वाटर मॉलिक्यूल ही तो है बेसिकली। तो ये जो गैसियस वाटर मॉलिक्यूल है, जब इनको हम हीट देंगे, मतलब कि हीट एक्सचेंज कराएंगे, तो क्या होगा, ये वेपर कंडेंस होगा, और कंडेंस होने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स में, और यही लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो अल्टीमेटली रेनफॉल के फॉर्मेट में निकल के आ जाते हैं। समटाइम्स इट कैन कन्वर्ट ऑल्सो इन अ सॉलिड फॉर्मेट, तो जो सॉलिड फॉर्मेट हो जाएगी वो हम लोग आइस भी बोल सकते हैं, उसको स्नो भी बोल सकते हैं, या इसी को हेल भी बोल सकते हैं। ये सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जब हम अपने कंडेंसेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर बेसिकली आप देख सकते हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड मॉलिक्यूल, एंड लिक्विड मॉलिक्यूल इज गेटिंग कन्वर्टेड इन अ सॉलिड मॉलिक्यूल। तो ये चीजें कैसे होती हैं, इसके बारे में अगर थोड़ा सा फिजिक्स देखा जाए, तो यहां पर देखिए सिस्टम होता है इस तरीके से, जहां पर सॉलिड मॉलिक्यूल, सॉलिड हीट जब पाता है, तो हीट पाने के कारण इसका एम एस डेल्टा टी एक समय तक अचीव करता है, और इस अचीव करने के बाद अब ये जो सॉलिड पार्टिकल होता है, ये सॉलिड रह पाने में मुश्किल हो जाती है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है कि नाउ इट इज गोइंग टू बी मेल्ट, मेल्ट हो जाता है, लेकिन मेल्ट के लिए जो हीट चाहिए होती है वो एम एस डेल्टा टी नहीं चाहिए होती है, वो चाहिए होती है एम डेल्टा एल, और ये जो एम डेल्टा एल होता है, इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, दिस इज लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, और यही डिपेंड करता है कि सॉलिड पार्टिकल क्या लिक्विड पार्टिकल में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। अब यहां से मान लेते हैं एम डेल्टा एल मिल गया, तो सीधी सी बात है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो अगेन मान लेते हैं कि इसको मैं हीट दे रहा हूं, तो एम एस डेल्टा टी अगेन ये जो है तब तक लिक्विड में बना रहेगा जब तक कि ये अब गैसियस में कन्वर्ट होने के बराबर ना हो जाए, यानी कि अब इसका वेपराइजेशन ना होना शुरू हो जाए। तो जब ये वेपराइजेशन होने के लिए आएगा, तो फिर अगेन इसको एम डेल्टा एल हीट चाहिए होती है, एम एस डेल्टा टी फिर नहीं चाहिए, फिर इसको एम डेल्टा एल चाहिए, और यहां पर जो डेल्टा एल है इसको बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के पा जाने के बाद अब ये पार्टिकल गैसियस में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली ये जो साइकिल है वो कन्वर्ट इस तरीके से भी चलती है। तो इस तरीके से जो सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि सिस्टम जो है वो कंडेंस हो रहा है या फिर सिस्टम वेपराइज हो रहा है। तो इट डिपेंड्स कि आपकी क्या चीजें हो रही है। अब एक तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि जो लेटेंट हीट वाला जो फंडा है वो क्या चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। लैप्स रेट इज द रेट ऑफ एक्सचेंज इन द टेम्परेचर ऑब्जर्व वाइल मूविंग अपवर्ड थ्रू द अर्थ एटमोसफियर। थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख रहे हैं, इस वजह से ही थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए यहां पर केस ये हो रहा है कि लैप्स रेट का मतलब ये है, हमें पता है कि जैसे जैसे हम लोग हाइट के साथ में ऊपर जाते हैं, मतलब मान लेते हैं कि ये सरफेस है और सरफेस के ये 8 किलोमीटर ऊपर अब पहुंच गए हैं, तो आपको पता है कि यहां पर इतना हम लोग एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। हमें पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज करता है, तो ये टेम्परेचर डिक्रीज हम लोगों ने देखा ही था अपने ट्रोपोस्फीयर में होती है। क्लियर हो गया। और इसी ट्रोपोस्फीयर में हम लोग सारी की सारी वेदर फिनोमिना, मतलब कि जो भी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं उसके बारे में देखते हैं। तो यहां पर टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है ये बेसिकली दो तरीके से हो सकता है। एक होता है जिसे हम लोग इन्वायरमेंटल बोलते हैं, तो ये हमारी एक है इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। इस लैप्स रेट का मतलब ये है कि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर इसका गिरना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली द लैप्स रेट, इज द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ
टेम्परेचर ऑब्जर्व वाइल मूविंग अपवर्ड थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा, मान लेते हैं सरफेस टेम्परेचर कुछ मान लेते हैं कि 28 डिग्री है, वन सेकेंड, तो सरफेस पे टेम्परेचर मान लेते हैं कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे ही लगातार इसका टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा। 28 है तो आगे फिर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर उसके बाद से 12 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस तरीके से ऊपर में घटना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या चीज है? इसको हम लोग बोलते हैं लैप्स रेट, या फिर इसी को बोल सकते हैं हम लोग एनवायरमेंटल लैप्स रेट। क्लियर हो गया? तो लैप्स रेट इज द नॉन राइजिंग एयर कॉमनली रिफर्ड टू एज द नॉर्मल और एनवायरमेंटल लैप्स रेट इज हाईली वेरिएबल बीइंग अफेक्टेड बाय रेडिएशन कन्वेक्शन कंडेंसेशन। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां पर जरा ध्यान से समझिएगा कि ये जो वेरिएबल होता है, जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट होती है, दिस एक्चुअली डिपेंड्स ऑन व्हाट, दिस डिपेंड्स ऑन द रेडिएशन, की कितनी रेडिएशन निकल रही है, क्योंकि यही हीटिंग सोर्स बनता है। और यही हीटिंग सोर्स अगर मान लेते हैं कि कमजोर हुआ तो फिर जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट होती है वो घट जाएगी, और उसी तरीके से हमें सिचुएशन देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो होता है कन्वेक्शन और कंडेंसेशन, ये दो कंडक्शन, ये भी दो चीजें होती हैं। तो यहां पर कन्वेक्शन एंड प्लस कंडेंसेशन, ये दो फिनोमिना भी हो जाती हैं जो कि इस एनवायरमेंटल लैप्स रेट को इंपैक्ट कर रही होती है। आगे अगर बात करें थोड़ा सा एडियाबेटिक लैप्स रेट के बारे में देखें, तो एक्चुअली व्हेन अ एयर पार्सल राइज इट इज लेस डेंसर देन द सराउंडिंग एनवायरमेंट एंड इट फॉल्स व्हेन इट्स डेंसिटी बिकम्स ग्रेटर देन द सराउंडिंग एनवायरमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते हैं जरा पहले, फिर उसके बाद से आपको आइडिया लग जाएगा। ये हमारी सरफेस है और हमें पता है, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो एनवायरमेंटल लैप्स रेट होता है, एनवायरमेंटल लैप्स रेट मतलब कि जो एटमॉस्फेयर के कारण से चेंज हो रहा है, ये एनवायरमेंटल लैप्स रेट 5 से 10 डिग्री के बीच में ही रहता है। 5 से 10 क्या, हम लोग 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर मान करके चल लेते हैं। तो अगर हम लोग 5-5 किलोमीटर का इंटरवल बना लें, तो ये 5-5 किलोमीटर का इंटरवल बना करके हम लोगों ने, दिस इज 5 किलोमीटर, दिस इज 10 किलोमीटर, देन 15, देन 20 एंड देन 25 किलोमीटर मान लेते हैं कि सिस्टम हो गया है। ठीक है, अब देखिए, दिस इज हाइपोथेटिकल, ठीक है, दिस मतलब एग्जैक्टली इस तरीके से एटमोसफियर में नहीं होता है। ये मैंने केवल जो ये किलोमीटर वाली चीज है ये मैंने अलग बनाई हुई है, अदरवाइज जो भी चीज मैं बताऊंगा, द कंसेप्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस विल बी एग्जैक्टली व्हाट इट हैपेंस इन द रियल एटमॉस्फेयर। ओके, अब देखिए यहां पर क्या सीन है कि सपोज सरफेस का टेम्परेचर जो होता है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, 5 किलोमीटर पे 6 डिग्री मतलब 30 डिग्री कम हो जाना चाहिए, कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहां पर जो टेम्परेचर है वो 5 × 6 यानी 30, यानी कि यहां पर टेम्परेचर हमें 0 डिग्री देखने को मिल जाएगा। यहां पर 30 डिग्री है तो यहां पर 0 डिग्री देखने को मिल जाएगा, यहां पर -30 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलेगा, सिमिलरली यहां पर -60 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलेगा, और इसी तरीके से ऊपर हम जब जाएंगे तो -90 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलेगा। अब यहीं पर हमारे पास क्लाउड्स भी हैं, ये हमारे मान लेते हैं कि क्लाउड्स हैं, और ये जो क्लाउड है इनके अंदर भी अपना एक टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड का। सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, सबके पास एक ही है। अब देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन इट इज ऑन द सरफेस, सरफेस पे मान लेते हैं कि जब ये मान लेते हैं कि क्लाउड जो होता है वो अभी सरफेस पे है, और सरफेस पे इसका टेम्परेचर जो है ऑब्वियसली इससे ज्यादा ही होगा। मान लेते हैं कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, और डिफरेंशियल कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, इसका 28 है, इसका मान लेते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका मान लेते हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके पीछे रीजन मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि यहां पर जो क्लाउड का टेम्परेचर है वो बाहर के एनवायरमेंटल टेम्परेचर से कम है। ठीक है, तो दिस बेसिकली द क्लाउड टेम्परेचर इज लेस देन एनवायरमेंटल टेम्परेचर। यहां पर क्या है कि क्लाउड का टेम्परेचर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एनवायरमेंटल टेम्परेचर, और यहां पर क्या है कि क्लाउड का टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन एनवायरमेंटल टेम्परेचर है। क्लियर हो गया क्या चीज है? अब देखिए टेम्परेचर अगर कम रहेगा तो ऑब्वियसली ये राइज नहीं करेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्यों नहीं राइज करेगा। जैसे देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो अंदर का जो ये क्लाउड है वो कम टेम्परेचर पे है, यानी कि ये कोल्ड है, तो जब कोल्ड रहेगा तो कोल्ड मतलब ये भारी है, भारी है कि नहीं, कोल्ड विंड हमेशा भारी होते हैं, तो भारी रहेगा तो कभी भी ये राइज नहीं करेगा। दिस इज नॉट गोइंग टू राइज, ये राइज नहीं करेगा।
लेकिन अगर मान लेते हैं कि बराबर है तो ये तो स्टेबल है तो इसको कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर यहां पर जब आप देखेंगे तो ये बेसिकली क्या है, हॉट है। हॉट होने के कारण से क्या होगा, ये हल्का हो जाएगा, ये बेसिकली लाइट हो जाएगा। और लाइट होने के कारण क्या होगा, ये राइज करने की कोशिश करेगा। यानी राइज करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि क्लाउड का टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। जो भी सराउंडिंग के इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है उससे क्लाउड का टेम्परेचर रिलेटिवली ज्यादा होना चाहिए, तब राइज देखने को मिलेगा। स्टेबल पोजिशन में भी इनफैक्ट इफ कोई भी अगर मान लीजिए फोर्स लग जाएगी देन इट कैन राइज, ऊपर जा सकती है, क्योंकि ये एक स्टेबल पोजिशन में, स्टेबल पोजिशन से इसको चेंज किया जा सकता है। बट क्लाउड का टेम्परेचर अगर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से अगर कम रहेगा देन ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू राइज, इट इज गोइंग टू डिसेंड, ये नीचे गिरेगा, ये डिसेंड कर जाएगा। ठीक है, और डिसेंड करने का मतलब क्या है कि ये अब प्रिसिपिटेशन कर जाएगा, ये प्रिसिपिटेट कर जाएगा, बारिश हो जाएगी यहां पर। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये जो सिस्टम होता है, इस तरीके के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कि राइजिंग ऑफ एयर। तो राइजिंग ऑफ एयर बेसिकली आप लोगों ने समझ लिया होगा कि हम लोग किस तरीके के राइजिंग ऑफ एयर के बारे में बात कर रहे हैं, एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर यही देख सकते हैं कि पार्सल ऑफ द एयर राइज व्हेन इट इज लेस डेंसर। लेस डेंस का मतलब क्या होगा कि ये ड्राई, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये रिलेटिवली हाई टेम्परेचर का होना चाहिए, तभी केवल और केवल ये राइज कर सकता है देन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, एंड इट फॉल्स व्हेन इट डेंसिटी बिकम्स ग्रेटर, यानी कि कूल हो जाएगा, जैसा कि हम लोग केस नंबर वन में ही देखे हुए थे कि यहां पर जो डेंसिटी थी वो ज्यादा हो गई थी, इस वजह से ये फॉल डाउन कर गया था, डिसेंड कर गया था। व्हेन द एयर पार्सल इज सब्जेक्टेड टू डिफरेंशियल हीटिंग कंपेयर टू द सराउंडिंग एयर इट बिकम्स लाइटर और हैवियर डिपेंडिंग ऑन द वेदर द एयर पार्सल इज हीटेड और कूल्ड। अब देखिए आसपास का जो टेम्परेचर रहेगा उस पर डिपेंड करेगा ऑब्वियसली, जैसे कि यहां पर टेम्परेचर हम लोगों ने 30 डिग्री देखा हुआ है, सेम वैसे ही अगर मान लेते हैं 5 किलोमीटर पे जैसे ही ऊपर आ गया है आप और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जीरो है और यहां पर मान लेते हैं 25 डिग्री है, तो क्या हो गया, ये टेम्परेचर रिलेटिवली हाई है, राइज करेगा। सिमिलरली ये भी हाई हो गया, राइज करेगा, और ये भी हाई है तो ये भी राइज करेगा। तो यहां पर ये कह रहा है कि इट इज गोइंग टू राइज, क्योंकि जैसे ऐसे ऊपर जा रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं ना, एयर पार्सल इज सब्जेक्ट टू डिफरेंशियल हीटिंग। डिफरेंशियल हीटिंग का मतलब क्या हो गया कि जो क्लाउड का टेम्परेचर है वो किस तरीके से घट रहा है कंपेयर टू द सराउंडिंग एयर। अब सराउंडिंग एयर में जो टेम्परेचर डिक्रीज देखने को मिल रहा है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर से देखने को मिल रहा है, और यहां पर जब आप देखेंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर देखने को मिल रहा है। तो यहां पर क्या होगा कि देयर विल बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स, और यहां पर जैसे इन्वायरमेंट बिहेव कर रहा होगा अकॉर्डिंगली क्लाउड विल हैव ईदर टू गिव अ फोर्स, मतलब कि ये ऊपर राइज कर सकता है और इट कैन डिसेंड। तो बोथ इज बोथ सिचुएशन इज अ पॉसिबिलिटी, और डिपेंडिंग ऑन द क्या केस हो रहा है उसके हिसाब से यहां पर चीजें देखने को मिल जाएंगी। क्लियर हो गया क्या चीज है? ओके, इसको मैं रेज करता हूं ताकि आपको यहां पर सिस्टम दिख रहा होगा, ये आप समझ गए होंगे, इसको आप लोग नोट्स में बना लीजिएगा बिकॉज ये सारी चीजें इरेज हो जाएंगी आपके पीडीएफ में। तो व्हेन एन एयर पार्टिकल रिसीव्स मोर हीट, अब देखिए एयर पार्टिकल जो है वो ज्यादा हीट जो है वो अब्सॉर्ब कर रहा है फ्रॉम द सराउंडिंग एयर, टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये चीजें राइज करते जाएंगी, यानी जो क्लाउड होगा वो राइज करेगा बिकॉज इट विल हैव मोर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर, तो इट इज गोइंग टू लीड द इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे क्या हो रहा है, एक और चीज अब यहां पर एक कंसेप्ट और लगना शुरू हो गया। मान लेते हैं कि ये वो हाइट है, मान लेते हैं हाइट जो होती है 5 किलोमीटर की हाइट पे पहुंचा हुआ है, एंड नाउ इट इज गोइंग टू बी एट 10 किलोमीटर हाइट पे आने वाला है, तो यहां पर जो प्रेशर होगा ऑब्वियसली वो हाई प्रेशर होगा एज कंपेयर टू दिस प्रेशर, यहां पर लो प्रेशर होगा। तो जैसे ही लो प्रेशर होगा वैसे ही क्या होगा, वॉल्यूम इसका इंक्रीज कर जाएगा। तो अभी मान लेते हैं कि अगर यहां पर इतना बड़ा अगर पार्टिकल है क्लाउड का, तो आगे जाकर के ये फैल जाएगा क्योंकि इट इज गोइंग टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। अगर इंक्रीज नहीं किया अपना वॉल्यूम तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ये फॉर्मूला होता है आइडियल गैस इक्वेशन का, पीवी इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है। अगर प्रेशर को लो कर देंगे आप और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो टेम्परेचर इज गोइंग टू बी लो, लेकिन इसको आपको कांस्टेंट रखना है तो आप वॉल्यूम को क्या करेंगे, कंपनसेट करा देंगे इस प्रेशर के साथ में, यानी वॉल्यूम को आप बड़ा कर देंगे और इस तरीके से जो क्लाउड है वो फैल जाएगी। क्लियर हो गया क्या चीज है?
फेयर पार्सल जो होता है यही यहां पर बोल रहा है कि टेंपरेचर लीडिंग टू एन इंक्रीज इन वॉल्यूम मीनिंग फॉल इन डेंसिटी एंड द एयर पार्सल बिकम्स लाइटर. अब एयर पार्सल जो होंगे वो बिकम्स लाइटर देन द सराउंडिंग एयर और अल्टीमेटली इट स्टार्ट्स टू राइज एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एडियाबेटिक बिकॉज यहां पर देयर इज अ हीट एक्सचेंज. क्योंकि एयर पार्सल और एनवायरमेंटल जो भी एक्सटर्नल एनवायरमेंट है उसके बीच में एक हीट एक्सचेंज हुआ है और यहां पर जो हीट एक्सचेंज हो रहा है बेसिकली वो आसपास का प्रेशर हो रहा है. इस प्रेशर के कारण से यहां पर हीट एक्सचेंज देखने को मिल रही है. बट व्हेन द पार्सल अगर मान लेते हैं कि वही नॉन एडियाबेटिक हम लोगों ने देख लिया. अब हम लोग जरा एडियाबेटिक देख लेते हैं कि एडियाबेटिक कैसा बिहेव करेगा. तो यहां पर बट व्हेन द एयर पार्सल स्टार्ट टू राइज द एम्बिएंट प्रेशर ऑन इट स्टार्ट्स टू फॉल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर अल्टीमेटली क्या होगा कि डिक्रीज करेगा हाइट के साथ में जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस ही किया है. एंड द प्रेशर ऑन द एयर पार्सल जो होगा वो हाइट के साथ साथ डिक्रीज करते जाएगा. तो विद द फॉल इन एम्बिएंट प्रेशर द टेम्परेचर फॉल एंड वॉल्यूम अल्टीमेटली इंक्रीज. दिस इज एडियाबेटिक. देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द एयर पार्सल एंड द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. ऑल द टेम्परेचर चेंजेस आर इंटरनल एंड दैट इज ओनली ड्यू टू चेंज इन प्रेशर और द वॉल्यूम और बोथ. तो इट ऑल डिपेंड्स कि हम लोगों ने जो अभी कंडीशन बात किया था फिगर में उसको लेकर के यहां पर डिस्कशन किया गया है कि जो एडियाबेटिक प्रेशर होगा इट विल ट्राई टू मेक और ट्राई टू रीशेप इट्स स्ट्रक्चर सो दैट हीट एक्सचेंज डज नॉट टेक प्लेस. तो आसपास की हीट एक्सचेंज ना होने पाए, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम को ये इंक्रीज कर लेगा और वॉल्यूम अगर मान लीजिए इंक्रीज नहीं करना है तो इट इज गोइंग टू चेंज इट्स टेम्परेचर अकॉर्डिंगली सो दैट यहां पर एक्सचेंज जो हो हीट जो का वो क्यू इज इक्वल टू जीरो हो. तो दिस क्यू विल बी इक्वल टू जीरो. क्लियर हो गया क्या चीज है. हालांकि इतनी जरूरत नहीं है देखिए जितना हम लोग डिटेल में स्ट्रक्चर इतना डिस्कस कर रहे हैं. बट स्टिल अगर मान लेते हैं कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट अगर रहे हैं तो आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी, क्लियर क्लैरिटी और अच्छे से आ रही होगी. तो फॉल इन द टेम्परेचर विद द राइजिंग ऑफ एयर पार्सल इज कॉल्ड एज एडियाबेटिक टेम्परेचर लैप्स एंड द रेट एट विच इट हैपेंस इज कॉल्ड एडियाबेटिक लैप्स रेट. ये जो टेम्परेचर अगर मान लेते हैं कि वो पॉजिटिव एडियाबेटिक लैप्स रेट कहलाती है जब टेम्परेचर जो होती है वो फॉल हो रही होती है. यानी पॉजिटिव एडियाबेटिक लैप्स रेट इज गोइंग टू मेक अ स्टेबल सिचुएशन. क्या होती है स्टेबल सिचुएशन सब अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो यहां पर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली एडियाबेटिक लैप्स रेट के बारे में वो दो तरीके की एडियाबेटिक लैप्स रेट है. एक एडियाबेटिक लैप्स है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राई एडियाबेट या ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट और दूसरी होती है जिसमें मॉइस्चर होता है यानी कि ये वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है. तो यहां पर बेसिकली हमारे पास दो तरीके की लैप्स रेट, दो तरीके की इनफैक्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट हमें देखने को मिल जाएगी. कई बार हम लोग इस एडियाबेटिक लैप्स रेट को ALR के नाम से भी लिखते हैं और अगर मान लेते हैं कि ड्राई लिखना है तो हम लोग बोल देते हैं कि ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट और वेट लिखना होता है वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट, ठीक है LR. तो इस तरीके से शो कर दिया था, अभी हम लोग शो भी करके देखेंगे. तो फिलहाल अगर बात किया जाए तो यहां पर देखिए एन एयर पार्सल फॉल्स टू लोअर लेवल ऑफ ट्रोपोस्फीयर व्हेन इट इज कूल्ड सफिशियंटली. जैसे जैसे हम लोग इसको कूल कर देंगे वैसे वैसे ये ट्रोपोस्फीयर के लोअर लेवल में आ जाएगा. व्हेन एन एयर पार्सिकल इज द अपर लेवल इट गेट्स कूल्ड ड्यू टू लोअर टेम्परेचर लैप्स रेट इट्स वॉल्यूम फॉल एंड इट्स डेंसिटी इंक्रीज व्हेन इट बिकम्स मोर डेंसर देन द सराउंडिंग एंड इट स्टार्ट फॉल. ऑलरेडी देखिए हम लोगों ने ये सब चीजें डिस्कस कर ली हैं तो वापस रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है. देखिए इस तरीके की चीजें हमें बेसिकली माउंटेन इलाके में देखने को मिलती है. माउंटेन स्लोप पे क्या होता है कैसे होता है ये अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे. बाकी चीजों के बारे में बताता हूं क्या चीज है. बिगिनिंग ऑफ फॉल इन द नॉन एडियाबेटिक प्रोसेस एज देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द एयर पार्सल एंड द सराउंडिंग एनवायरमेंट. व्हेन एयर पार्सल इज फॉलिंग द टेम्परेचर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन इट विल इंक्रीज एंड इट्स इंटरनल टेम्परेचर विल इंक्रीज एडियाबेटिकली. देखते हैं अभी क्या चीज है. देखते क्या है पहले देख ही लेते हैं. देखिए यहां पर हमारे पास जो सिस्टम है वो दो तरीके का सिस्टम है जहां पर हम लोग बातें करने वाले हैं. एक बात करेंगे हम लोग ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट की और दूसरा बात करेंगे वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट की. एक तीसरा है जिसको हम लोग इन्वायरमेंटल लैप्स रेट भी बोल रहे हैं. अब देखिए तीनों की सिचुएशन हम लोग देखते हैं. मान लेते हैं कि ये हमारा सरफेस है. सपोज दिस इज आवर सरफेस और सरफेस से हम लोग जरा एक एक किलोमीटर बढ़ना शुरू करते हैं तो थ्री
1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और 8 किलोमीटर तक हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास तीन तरीके के मान लेते हैं कि क्लाउड्स है, तो ये मान लेते हैं कि यहां पर डॉटेड लाइन बना लेते हैं। देखिए ये सब आप लोग अपने नोट्स में बना लीजिएगा, क्योंकि जो पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी उसमें ये जो पेन से मैं बनाता हूं ये चीज उसमें नहीं आती है। अब क्या रीजन है इसके पीछे मुझे भी नहीं पता। तो ये हमारे पास जो होता है डिफरेंट लेयर्स आ गई है हर एक लेवल पे, हर एक किलोमीटर पे एक्चुअली डिफरेंट लेयर्स आ गई है। मैंने इसलिए बना दिया ताकि आपको एक क्लैरिटी दिखेगी। मान लेते हैं कि यहाँ का प्रेशर जो भी होगा, अगर मान लेते हैं कि यहाँ का प्रेशर 10 पास्कल है सपोज, तो ऑब्वियसली ऊपर जैसे जैसे जाएगा वो घटेगा, ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली हमें क्या है कि जो प्रेशर है वो घटता हुआ मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां पर मान लेते हैं कि हमारी एक क्लाउड है, यहां पर एक और दूसरी क्लाउड है और यहां पर एक और तीसरी क्लाउड है। जो हमारे पास यहां पर क्लाउड है सबका टेम्परेचर मान लेते हैं कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, सब के सब 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बने हुए हैं। ठीक है, हमारा जो सरफेस पे टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। क्लियर, जो हमारा इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है मान लेते हैं इन्वायरमेंटल लैप्स रेट को 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मतलब 5 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग इन्वायरमेंटल लैप्स रेट मान करके चलते हैं। तो 5 डिग्री इन्वायरमेंटल लैप्स रेट का मतलब क्या है, एक एक किलोमीटर पे 5-5 डिग्री घटता जाएगा, यानी 25 डिग्री है यहां पर क्या हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पर क्या हो जाएगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड, सिमिलरली 10, 5, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन -5 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर समझ में आ गया इन्वायरमेंट का किस तरीके से चेंज हो रहा है। क्लियर, अब देखिए आगे जरा बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं इस वाले, मान लेते हैं कि ये वाली जो क्लाउड है वो हमारी ड्राई है। तो अगर ड्राई है तो ड्राई वाले का अगर हम लोग इन्वायरमेंटल मतलब कि ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट देखें तो नियर अबाउट ये जो होती है 10 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं कि मिल रही है। तो 10 डिग्री का मतलब क्या है कि अगर ये 30 डिग्री है तो अब ये बताइए कौन भारी है, ये 20 डिग्री रिलेटिवली कम टेम्परेचर, ये वाला हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मतलब ये वार्म है, वार्म होने का मतलब ये लेस डेंस है और लेस डेंस होने के कारण से ये इट विल हैव अ टेंडेंसी टू राइज, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। जैसे ये 15 डिग्री वाले सेंटीग्रेड 1 किलोमीटर ऊपर पहुंचेगा इसका वॉल्यूम रिलेटिवली थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि प्रेशर कम हुआ है, तो इसलिए वॉल्यूम इसकी इंक्रीज हो जाएगी, ये अपना वॉल्यूम रीशेप कर लेगा और अंदर का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से कम हो जाएगा। 10 डिग्री से कम होने का मतलब कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आ गया है। क्लियर, बाहर का टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री, अंदर का टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री, अभी भी क्या है हॉट है क्योंकि 15 है 20 है। ठीक, ये भी अगेन लेस डेंस और इट विल हैव अ टेंडेंसी टू राइज, अगेन जब ये ऊपर पहुंचेगा तो इसका वॉल्यूम थोड़ा सा और रीशेप हो जाएगा और यहां पर अब जो टेम्परेचर आएगा वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा क्योंकि 10 डिग्री से ही कम हो रहा है, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट है 10 डिग्री से कम हो रहा है। अब क्या हुआ 10 डिग्री 10 डिग्री बराबर बराबर कोई दिक्कत नहीं है, ये अब क्या हो गया डेंसिटी जो है वो पैरिटी में आ गई है, मतलब कि अब ये ऊपर नीचे नहीं जाना चाहेगा लेकिन इट विल हैव अ वेलोसिटी, ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी तो बन ही गई है, इस वेलोसिटी के कारण से ये ऊपर चला जाएगा, ये चला जाएगा राइज कर जाएगा बिकॉज ऑफ वेलोसिटी जो इसके पास ऑलरेडी बनी पड़ी है। तो जैसे ही ऊपर जाएगा वैसे ही मान लेते हैं 1 किलोमीटर और ऊपर हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम फिर से रीशेप होगा, मतलब कुछ इस तरीके से वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम रीशेप होकर के आया है यहां पर टेम्परेचर अब 10 डिग्री से कम होकर के 0 डिग्री पे हो जाएगा और यहां पर -5 डिग्री सेंटीग्रेड है, देख सकते हैं नहीं सॉरी 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, दिस इज 5 -5 यहां पर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। इन दोनों में अब कौन भारी हो गया, तो ये जो है वो लेस टेम्परेचर है यानी कि ये रिलेटिवली हाई डेंस हो गया। हाई डेंस होने के कारण से अब ये क्या करेगा कि अब ये भारी हो गया है तो नीचे जाना शुरू कर देगा, तो ये डिसेंड करना शुरू हो गया है, यानी कि जब तक ये ऊपर बढ़ा था तब तक तो क्लियर था, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, बट जैसे ही ऊपर बढ़ा है वैसे ही सिचुएशन जो होती है वो चेंज हो गई है, नाउ इट इज गोइंग टू
डिसेंड ये जो होता है वो गिर जाएगा, लेकिन ये कंडीशन कब हुई है, ये कंडीशन तब हुई है जब इन्वायरमेंटल, वन सेकेंड, इन्वायरमेंटल क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट इज लेस देन ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। तो इस तरीके की पोजीशन पे हमें पहले तो स्टेबल पोजीशन मिली है, लेकिन उसके बाद से ये इनस्टेबल हो गया है। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो एक्चुअली दिस कंडीशन विल, कंडीशन जो होगी वो डिपेंड्स वाली कंडीशन में हो जाएगा कि यहां पर सिचुएशन कैसी निकल रही है। तो यहां पर आप लोगों ने एक कंक्लूजन देख लिया कि जब इन्वायरमेंटल लैप्स रेट इज लेस देन ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, तो वहां पर कंडीशन जो होती है वो डिपेंड्स वाली मिल रही है, कि हम देख सकते हैं कि यहां पर सिचुएशन जो होती है वो डिपेंड करेगी किस तरीके से चेंज हो रही है। क्लियर हो गया क्या चीज है? सिमिलरली इन्वायरमेंटल लैप्स रेट 5 डिग्री लिए हुए हैं, विट एडियाबेटिक लैप्स रेट जो होती है वो रिलेटिवली कम होती है, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, बिकॉज मॉइस्चर ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा होने के कारण से ये भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। मान लेते हैं कि ये वाली जो क्लाउड है, ये जो हम लोगों ने साइड में रखा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, एंड दिस इज, मान लेते हैं कि ये मॉइस्चर, इसके अंदर में मान लेते हैं कि मॉइस्चर है, ठीक है। इस मॉइस्चर के कारण से अभी क्या है, अभी तो ऑब्वियसली ये राइज करेगा, हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया यहां पर कि ये राइज कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर जो है इसका रिलेटिवली हायर है, हाई होने के कारण से ये लेस डेंस है, गर्म है, ऊपर जाएगा, ऊपर पहुंचा तो इसने अपने वॉल्यूम को रीशेप किया, रीशेप करने के कारण अब क्या होगा, इसका अंदर का टेम्परेचर वेट है, वेट के कारण से 3 डिग्री से कम होगा, यानी ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे है, और यहां पर 5 डिग्री से कम हुआ है और टेम्परेचर यहां पर पहुंच गया है 15 डिग्री। कौन हल्का? हल्का अभी भी यही है, क्लाउड ही है, ऊपर जाएगा, राइज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ऊपर जाएगा तो यहां पर जो टेम्परेचर है इसका घट करके 24 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 3 डिग्री से कम हो गया, लेकिन बाहर 10 डिग्री है। फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद रीशेप किया, और रीशेप करने के बाद 21 डिग्री सेंटीग्रेड, बाहर का टेम्परेचर 5 डिग्री। सिमिलरली और रीशेप किया, 20 कितना था ये, 21 हो गया ना, हाँ ठीक है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया, बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि लगातार ये ऊपर ही चला जाएगा, ऊपर ही चला जाएगा, यानी कि अगर अगर वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट इज लेस देन इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इनस्टेबल कंडीशन, क्योंकि ये बादल को उड़ा ले जा रही है, बादल को ऊपर लेते जा रही है, और ऊपर ले जा करके बेसिकली अब ये क्या होगा, आगे जा करके ये एक कंडीशन इनस्टेबल कंडीशन हो जाएगी, वहां पर सिचुएशन जो होती है पूरी तरीके से खत्म हो जा रही होगी। तो यहां से हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एंड दैट कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर, ये चीजें आप लोग बना लीजिएगा। अब यहां पर देखिए, एक कंक्लूजन यहां से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि अगर इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, इफ इन्वायरमेंटल लैप्स रेट इज हायर देन ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, और ऑब्वियसली ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से इन्वायरमेंटल लैप्स रेट अगर ज्यादा है, तो वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि हमेशा वेट एडियाबेटिक मान लेते हैं 10 डिग्री अगर है, तो ये वाला तो रिलेटिवली कम ही होगा, 10 डिग्री पे ही होगा। तो ये जो ड्राई एडियाबेटिक है, तो ये तो डिपेंड, जैसे ये तो मान लेते हैं कि 6 डिग्री अगर मान लीजिए बना के रखा है मैंने, 5 डिग्री बना के रखा है, तो दिस इज कॉन्स्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिपेंड करेगा कि जो ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया था, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, और फिर जो भी चीजें थी, लेकिन ये जो है वो तो डिपेंड करेगा मॉइस्चर पे ना, ये तो डिपेंड करेगा क्लाउड के प्रॉपर्टी पे, कि क्लाउड किस चीज का बना है, और अकॉर्डिंगली ये ड्राई एडियाबेटिक 2 डिग्री भी जा सकती है और 10 डिग्री भी जा सकती है, समझ रहे हैं कि ना। तो यहां पर अगर ये वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट, जो कि हमेशा ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से कम ही होती है, इसके पास में 3 कंडीशन आती है। एक ये कंडीशन आ सकती है, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, ठीक है, वेट एडियाबेटिक, ड्राई एडियाबेटिक और इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन हाँ एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट और इन्वायरमेंटल लैप्स रेट और ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और एक लास्टली अगर देख लेते हैं कि हमारी जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है वो सबसे कम हो जाए, या फिर यही दोनों कंडीशन ही लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा था कि अगर इन्वायरमेंटल लैप्स रेट इज ग्रेटर देन ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, इट इज गोइंग टू मेक द सिचुएशन स्टेबल कंडीशन, तो ये कंडीशन जो होगी वो स्टेबल कंडीशन हो जाएगी। और अगर इन्वायरमेंटल लैप्स रेट जो होती है इन दोनों के बीच में होगा, तो इट ऑल डिपेंड्स कंडीशन, ये जो है वो डिपेंड्स होगी, ये राइज भी कर सकता है और ये डिसेंड भी कर सकता है, डिसेंड भी कर सकता है, ये डिपेंड करता रहेगा। क्लियर हो गया क्या चीज है?
तो हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया आइडिया लग गया होगा बेसिकली क्या सिस्टम हो रहा है, इन कंडीशन को लेकर के आपके यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। और अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, आगे हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में बात करेंगे और ये ओरोग्राफिक रेनफॉल इसी पे डिपेंडेंट होता है, एडियाबेटिक लैप्स रेट पे ही डिपेंडेंट होता है। क्लियर? अब जरा फटाफट डिस्कस कर लेते हैं इसको। हमारे पास जो एडियाबेटिक लैप्स रेट है वो दो तरीके की होती है, एक को बोलते हैं हम लोग ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट और दूसरे को बोलते हैं वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट। इन दोनों के बारे में डिस्कशन है। ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट इज द रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड ऑफ ए पार्सल ऑफ ड्राई और अनसैचुरेटेड एयर, मतलब इसमें मॉइस्चर जो है वो कम है एंड सिंपली इट इज गोइंग टू बी अंडर एडियाबेटिक लैप्स रेट। ये रिलेटिवली ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट। अनसैचुरेटेड एयर का मतलब यही हो जाता है कि इसके अंदर में जो भी ह्यूमिडिटी है वो लेस देन 100% है, 100% अगर हो जाएगा तो सैचुरेटेड हो जाएगा और ये कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। व्हेन अ राइजिंग एयर पार्सल हैज लिटिल मॉइस्चर कंडेंसेशन ड्यूरिंग अपलिफ्टमेंट इज लो, मतलब कि जो बारिश होगी वो लो होगी एंड द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज इज लो, ठीक है। एज अ रिजल्ट द फॉल इन टेम्परेचर एंड द हाइट इज ग्रेटर कंपेयर टू एडियाबेटिक लैप्स रेट, तो बेसिकली ये ऊपर ज्यादा जाएगी। ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट फॉर द अर्थ एटमोसफियर इज इक्वल टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, हालांकि हम लोगों ने 10 को लेकर के 10 डिग्री लेकर के काम किया हुआ है, कैलकुलेशन की हुई है, बट कोई बात नहीं, ये हमारी सिस्टम होती है। ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट इज मेनली एसोसिएटेड विद द स्टेबल कंडीशन, तो ये बेसिकली स्टेबल कंडीशन होती है, अभी हम लोगों ने डिस्कस ही किया हुआ है कि हाँ इट इज गोइंग टू गिव यू अ स्टेबल कंडीशन, ठीक है। आगे अगर बात करें वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट के बारे में, तो व्हेन दिस इज वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन अ एयर पार्सल दैट इज सैचुरेटेड विद वाटर वेपर राइज सम ऑफ द वेपर विल कंडेंस एंड रिलीज इनटू लेटेंट हीट, मतलब एडिशनल हीट फ्रॉम द एंटायर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्सल टू कूल मोर स्लोली देन इट वुड इफ इट वर नॉट सैचुरेटेड, तो उससे क्या होगा कंडेंसेशन प्रोसेस आ जाएगी सामने। तो मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट वेरीज कंसिडरेबली बिकॉज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज हाईली वेरिएबल, द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ वेपर द स्मॉलर द एडियाबेटिक लैप्स रेट बिकॉज कंडेंसेशन प्रोसेस स्टॉप्स ऑन एडिंग मोर लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर हमें देखने को मिल जाती है। वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट इज मेनली एसोसिएटेड विद द अनस्टेबल कंडीशन, ऑलरेडी हम लोगों ने अभी देखा ही है। तो एज एन एयर पार्सल राइज एंड कूल इट मे इवेंचुअली लूज इट्स मॉइस्चर एंड अल्टीमेटली कंडेंस हो जाती है और इस तरीके से बारिश होना शुरू हो जाती है। तो यहां पर जो हम लोगों ने देखा एक बार फिर से देख लेते हैं, वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट होती है, यहां पर इन्वायरमेंटल लैप्स रेट होता है और यहां पर ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट होती है। ये जो सिचुएशन है इट ऑल डिपेंड्स, ये कंडीशन जो होगी वो डिपेंड्स वाली कंडीशन में होगी, यहां पर चीजें मतलब बारिश होने की संभावना ज्यादा रहती है। और वही अगर वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट मान लेते हैं कि वो रिलेटिवली ज्यादा है तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू गिव यू अ स्टेबल कंडीशन और यहां पर बादल जो है वो उड़ जाएगा, ऊपर निकल जाएगा। क्लियर हो गया? ये थी हमारी आज की पूरी डिस्कशन। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल्स का यूज करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो ही आपकी आज ही आ जाएगी, कंडेंसेशन से रिलेटेड रहेगा। वी हैव सम टॉपिक्स लेफ्ट इन द क्लाइमेटोलॉजी, जैसे हमारी एक ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन से रिलेटेड डिस्कशन, और लास्टली हमारा क्लाइमेट रिलेटेड 15 टाइप के क्लाइमेट हम लोग देखने वाले हैं और उसकी वीडियो क्लाइमेट वाली कल आ जाएगी, और बाकी रिलेटिवली जो भी वीडियो बची हुई है वो आज आ जाएगी आपकी। और इस तरीके से कल तक संडे तक हम लोग सारी जो भी डिस्कशंस हैं क्लाइमेट रिलेटेड वो खत्म कर लेंगे। आज ही आपको एक हिस्ट्री की भी वीडियो मिल जाएगी और पैरेलली हम लोग जो हिस्ट्री लेकर के चल रहे हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री इज गोइंग टू बी वेरी कंसेप्चुअल एंड वेरी इंटरैक्टिव मैनर में होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।